हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल विजन एकेडमी में। जी, आज हम लोग रीजनिंग में फिगर काउंटिंग पढ़ेंगे ना। फिगर काउंटिंग पढ़ेंगे, उससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो देखते हैं हम लोग क्या है क्वेश्चन। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि दी गई आकृति में कितनी त्रिभुज है? बहुत सिंपल है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा कि बस क्या करना क्या है, इसमें देखिए कुछ भी, इसका ट्रिक क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रिक क्या है, अगर कोई त्रिभुज दिया रहे, ठीक है, उसमें जितना बार ये बांटा हुआ रहे, जैसे एक और ये दो, यहाँ पे हो जाएगा तीन, दोनों को मतलब जोड़ देना है, जो भी पार्ट जैसे बांटा हुआ है, जैसे एक यहाँ पे लिख लेना है और ये दो, दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? तीन। तो आपका आंसर क्या बनेगा? तीन, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अगर आगे अगर ऐसा ही फिगर दे दे और इसका दो पार्ट कर दे, ठीक है, तो आपको करना क्या है, ऐसे कर दे, तो जो भी पार्ट बटा हुआ है, जैसे ये एक दो तीन चार, चार है, तो सबको जोड़ देना है, चार तीन सात दो नौ और एक दस, यहाँ पे कितना त्रिभुज होगा? दस। काउंटिंग की जगह दस आ जाएगा। ट्रिक क्या है? बस जो बांटा हुआ है उसी को नंबरिंग कर देना है और जोड़ देना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए अगर ये ऐसे दिया हुआ है, एक ठीक, अगर ऐसा दिया हुआ है तो हमको करने क्या है, जो भी बांटा हुआ है, जो इस पार्ट को बांट रहा है, उसको नंबर कर दीजिए, जैसे एक यहाँ पे है, दो तीन चार पांच छ सात आठ, और सबको ऐड कर दीजिए। अगर ज्यादा आपका लग रहा है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन ज्यादा हो गया है, तो एक फॉर्मूला होता है, ये प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है, तो n इंटू एन प्लस वन माइनस टू, n इंटू एन प्लस वन माइनस टू, इसे बैठा दीजिए, n का वैल्यू आठ रखना है, आठ और एक नौ, और दो से काट दीजिए चार बार में, चार नौ कितना हो जाएगा, छत्तीस, छत्तीस आ जा रहा है। जैसे देखिए, एक दो तीन, तीन तीन छः, छः चार दस, दस बार पंद्रह, पंद्रह छः इक्कीस, इक्कीस और सात अट्ठाईस, अट्ठाईस और आठ छत्तीस, ठीक है। बस ये सिंपल है, बस आपको बांटते जाना है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर वन था ये, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू में क्या है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। सिंपल है, जो मेरा बांटा हुआ उसी में क्या करना है, नंबरिंग कर देना है, एक दो तीन चार, और सबको ऐड कर दीजिए, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, तो चार तीन सात दो नौ और एक क्या हो जाएगा, दस। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चल देखिए, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, तो यहाँ क्या करना है, सबको ऐड कर देना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, सबको भी ऐड कर दीजिए, एन इंटू एन प्लस वन, या फिर ऐसे भी कर दे सकते हैं, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस एट, सबको ऐड कीजिएगा, कितना हो जाएगा, ऐड करके बताइए।
हेलो। हाँ देखिए इसको जोड़ करके, जैसे ये सब जो है जोड़ करके 1 2 3 4 5 यानी कि 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल द करेक्ट आंसर। अब देखिए वो कह रहा है कि यहाँ पे अगर और संख्या ज्यादा दे जाए तो जोड़ने में आपको परेशानी होता है, तो एक ट्रिक होता है, मतलब फॉर्मूला होता है n(n+1)2। n(n+1)2 ये होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो ये प्राकृतिक संख्या ही होता है, एक से लेकर के स्टार्ट होता है लास्ट तक। तो 8, 8 और एक क्या हो जाएगा 9, 8 और एक 9 और बटा में 2, 2 से काटिएगा 4 बार में, ये कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं और ऐसे भी जोड़ करके आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? बहुत ही सिंपल है, एक नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए 11 जोड़ना तो मुश्किल है, तो यहाँ पे हम वो फॉर्मूला लगा देते हैं n(n+1)2। तो 11, 11 और एक कितना हो जाएगा 10, 2 से कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में, यानी कि 55। हाँ 11 एक 12 ना होगा, ऑप्शन एक मिनट, मिस्टेक मिस्टेक, एन 11 है, 11 और एक 12 हो जाएगा यहाँ पे 12। ठीक है, 2 से कटेगा 6 बार में, 12 11 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 66 ना, यानी कि 66, 66 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दी गई आकृति में कितनी त्रिभुज है? देखिए अगर इस टाइप से कभी क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान समझिएगा, जो अभी अभी आपको हम क्या बताएं कि जितने पार्ट में बांटा हुआ उसको ऐड कर दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10। अब देखिए कि ये जो लाइन है बेसिक लाइन वो कितना है, 1 2 3, 3 है, तो बस उसको क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई कर, कितना हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बस बेसिक में जोड़ लेना है, और जो ये लाइन है नीचे वाला जो इस पार्ट को बांट रहा है त्रिभुज को, जैसे 1 2 3, 3 या 3 से मल्टीप्लाई हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो देखिए यहाँ पे भी वही जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 सबको ऐड कीजिए, 1 2 3 3 3 6 4 10 10 5 15 15 6 21, 21 आया। अब यहाँ पे लाइन कितना है, तो 1 2 3, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 कम 3 3 दूनी 6, 63 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ क्या हुआ, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21। ठीक है, 21, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कम 3, ठीक तो है, ऑप्शन गलत लग रहा है, ऑप्शन गलत लग रहा है। ऑप्शन गलत है आपका, 63 आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन गलत है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? अब देखिए यहाँ पे अगर ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो पीछे वाला क्वेश्चन जो बताया वो अलग था, ये अलग है। देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में पूरा पूरा बराबर बांट रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो है बांट रहा है, जो क्वेश्चन जो इसको बांट रहा है बस बीच में जाकर खत्म हो जा रहा है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप नीचे से स्टार्ट कीजिए, इसको जोड़ना स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 सब ऐड कीजिए, 2 और 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21। अब देखिए 21 हो गया, अब यहाँ पे जो है उसको जोड़िए, 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6। ठीक, यहाँ पे कीजिए 1 और 2, 2 और 1 3। ठीक है, यहाँ ऊपर आइए, 1 2 3, तो 3 है, तो 3 2 5 और 1 6, यहाँ पे भी 6 ऐड कीजिए। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 6। अब देखिए ऊपर में 1 2 3 4 5, 5 4 9, 9 3 9 3 12 2 14 1 15, सबको ऐड कर लीजिए। समझ में आया, पूरा नहीं कर लेना है। अब जैसे मान लीजिए कि ये पूरा करके आओ 1 2 3, ऐसा करके गुना नहीं कर लेना। अब ये जो पार्ट बटा हुआ अलग अलग है, यहाँ पे ये आकर रुक गया, फिर ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से ये खत्म हो गया, फिर ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो करने का मतलब है कि ये जो है अलग है, पीछे वाला क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। अब सब इसको ऐड ऐड कर लीजिए, 26 और 1 21 और 1 6 27 27 3 30 36 36 6 42 42 और 15 42 और 15 57। ठीक तो है, 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, ठीक है,
एक दो तीन, तीन दो पांच रख छः, छः ठीक है, एक दो तीन छः यहाँ पे ठीक है, तीन यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे एक दो तीन, तीन तीन छः, छः चार दस, दस पाँच पंद्रह, पंद्रह छः इक्कीस, ठीक तो है। अब सबको ऐड कर दीजिए, 26 और एक छः, 27, 27 और तीन 30, 30 छः 36, 36 छः 42, और 42 और 15, 42 और 15 ऐड करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 7, और इधर कितना हो जाएगा 5, 57। 57 ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, ऑप्शन गलत है, ठीक है, ऑप्शन गलत है, 57 आपका सही आंसर हो गया, ठीक। नेट चलिए ठीक है, ऑप्शन गलत लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये काउंट करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जैसे देखिए लास्ट वाला में एक दो तीन चार, यहीं तक है, हम वो आगे के लिए थे, तो चार तीन सात दो नौ और एक दस, यहाँ पे दस आएगा, दस आएगा, 15 के जगह पे क्या आ जाएगा, दस आएगा। अब इसको ऐड कीजिएगा तो 21 छः 27, 27 तीन 30, 30 छः 36, 36 छः 42, 42 और 10 52 आएगा, 52, 52 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। आगे देखिए बोल क्या रहा है कि दी गई आकृति में कितनी त्रिभुज है। देखिए कभी भी अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, तो सबसे पहले देखिए एक बेसिक सा जानकारी रखिए, ऐसे अगर बांट रहा है और एक ये इसमें बताइए त्रिभुज कितना होगा। देखिए जो भी मेरा बांट रहा है उसको गिन लीजिए, जैसे एक दो तीन चार, चार तो मेरा बन रहा है ना, अब चार को क्या करना है, यहां पे चार को दुगना कर देना है, चार दुनी कितना हो जाएगा आठ, लेकिन यहां पे दुगना नहीं करेंगे, एक और दो बस, दो ही होगा, जब संख्या बीच में कटेगा, जो रेखा बीच में कटेगा तभी हम दुगना करेंगे, यहाँ पे तो कट नहीं रहा है तो बस जो त्रिभुज है वही होगा। अब यहाँ पे जो कट रहा है त्रिभुज, जैसे देखिए ये और ये कट रहा है, कट रहा है तो जो मेरा जो अंदर का त्रिभुज है उसका दुगना त्रिभुज बनता है। जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे हम कैसे काउंट करेंगे, देखिए ये दो पार्ट में बटा हुआ है, तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है इसको अलग कीजिए, ठीक, और ये पार्ट अलग। देखिए इस पार्ट में कितना बनेगा, पहले ये वाला पार्ट गुने, ये गिन लीजिए, एक दो तीन चार, चार है तो चार दूनी की आठ, यहां पे भी गिनिए, एक दो तीन चार, चार दूनी की आठ, यहां पे भी आठ बन रहा है। अब देखिए दोनों को मिला के बन रहा है क्या, तो हाँ बन रहा है, देखिए दोनों को मिलाइएगा तो ये वाला त्रिभुज बन रहा है, ये यहाँ गया यहाँ आया एक, और एक यहाँ आया, तो आठ आठ सोलह और ये दो, ठीक है, आठ आठ सोलह दो कितना हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया मेरा बात, देखिए अगर इस टाइप से फिगर बनेगा तो बस जो संख्या जो अंदर में त्रिभुज बन रहा है उसको काउंट करके दो से गुना, ठीक है, लेकिन अगर बीच में कुछ संख्या काट नहीं रहा है तो जो त्रिभुज है वही हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे दो, जैसे ये अलग आठ बनेगा, ये अलग आठ बनेगा, लेकिन दोनों को जोड़ने पे दो और त्रिभुज बन रहा है, अभी बताया ये वाला और ये वाला कितना हो जाएगा, दो और ऐड करेंगे यानी कि 18 हो जाएगा, आठ आठ सोलह दो 18, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, अब देखिए यहाँ पे कितने त्रिभुज है, अभी हम आपको पीछे बताएं कि इसमें आठ बनेगा, इसमें भी आठ बनेगा और इसमें भी आठ बनेगा, तो तीनों आठ 24 बन जाएगा। अब देखिए आगे ये दोनों को ऐड करके देखिए, ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, यानी कि दो, अच्छा अब ये दोनों को ऐड कीजिए तो ये एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, अरे बस समझ में, ये दोनों को ऐड करने पे दो और फिर ये दोनों को ऐड किए तो दो, यानी कि दो, ठीक। अब तो कोई नहीं, अगर तीनों को हम जोड़ रहे हैं तो कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 और 4 28, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यहाँ पे बताइए, तो देखिए आप इसको अलग कीजिए, इसको अलग कीजिए, इसको अलग कीजिए, तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे आठ बनेगा, इस वाले में आठ, इस वाले में आठ और इस वाले में भी आठ, अच्छा ये दोनों को अगर ऐड करते हैं, ये ऊपर वाला दोनों को ऐड करते हैं तो कितना बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, यानी कि दो बनेगा, अच्छा फिर अगर ये और ये ऐड कर रहे हैं तो एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, यानी कि ये यहाँ पे भी दो बन रहा है, ठीक, अरे बस समझ में। अब देखिए ये ऐड करके देखिए, ये और ये ऐड कर लीजिए, अब हम तीनों को ऐड करके देखेंगे,
तो तीनों को जब ऐड कीजिएगा तो देखिए ये बड़ा वाला एक त्रिभुज यहां बन रहा है, ऐसे आएगा, ऐसे वैसे, बस एक ही बनेगा। यहाँ पे एक और ऐड हो जाएगा, और तो कोई बनेगा नहीं, ठीक है। इसमें आठ, इसमें आठ, इसमें आठ, दोनों को मिलाने पे दो, ये दोनों को मिलाने पे दो, और एक तीन, तो कितना हो जाएगा 24, 4, 28 और एक क्या 29। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, देखिए यहाँ ये जस्ट ये जो क्वेश्चन था इसमें एक एक और बढ़ गया, तो देखिए आगे क्या होता है। देखिए सबको अलग कर लीजिए, ये पार्ट को अलग, ये पार्ट को अलग, ये पार्ट को अलग, एक पार्ट को अलग, तो इसको अलग कीजिएगा तो आठ, इसको अलग कीजिएगा तो आठ, इसको अलग कीजिएगा तो आठ, और इसको अलग कीजिएगा तो आठ, ठीक। अब आगे देखिए ये और ये संख्या, ये दोनों को मिलाएंगे तो एक ये और एक ये, यहां पे दो बनेगा, ठीक, समझिएगा ध्यान से। अच्छा फिर ये दोनों नीचे वाला को मिलाएंगे तो दो नीचे से बनेगा। अच्छा अब देखिए ये दोनों को मिला रहे हैं तो एक ये ऐसा बनेगा और एक ये ऐसा बनेगा, तो दो। अच्छा ये दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे भी दो, जस्ट कंडीशन बनेगा। अब देखिए अब सबको मिला दिए, लेकिन अब देखिए चारों को मिलाने पे कितना त्रिभुज बन रहा है, तो देखिए चारों को मिलाने पे ये बन रहा है बड़ा सा, ठीक, एक ये बन रहा है दो, ठीक, ये ऊपर से ऐसे बांट रहा है तो एक तीन और एक चार, यानी कि चार और। अब सबको ऐड कर दीजिए, 32, 32 दो, 32 और चार 36, 36 चार 40, 8 24, 8 8 चौक 32, 33, 32, 32 और चार 34, 34, 34 चार 36, 36 और चार 36, एक मिनट, 32, 32 और दो 34, 34 और दो 36, 36 दो 38, 38 दो 40 और चार 44। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है, एग्जाम में आते रहता है। देखिए यहाँ पे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बताइए तो इसमें कितने होगा। देखिए जो संख्या आपको दिखाई दे रहा है, जैसे त्रिभुज कौन 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 सा दिखाई देगा, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, चार और एक बड़ा वाला पांच, बस इसमें यही यही, उसमें और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस क्या हो जाएगा यहाँ पांच। ऑप्शन नंबर बी विल द करेक्ट, जो त्रिभुज हमको दिखाई दे रहा है बस इसको गिन लेना है। जैसे एक ये दिखाई दे रहा है, जैसे एक दो तीन चार, एक बड़ा वाला पांच, कितना बनेगा टोटल पांच त्रिभुज बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ जाएगा, देखिए देखिए समझिए, ये जो त्रिभुज है ये कितने पार्ट में बटा हुआ है, तो एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है, तो लिख लीजिए इसको। देखिए बनाने का तरीका क्या है, पीछे वाले क्वेश्चन में था तो इसमें कुछ बांटा हुआ नहीं था, बस एक बार बांटा हुआ था तो पांच। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, तो जैसे बांटा हुआ है तो यहाँ पे लिख लीजिए एक दो तीन। अब देखिए एक यहाँ लिखिए और एक को यहाँ से जोड़ करके लिखना है, एक दो तीन, और तीन को ये इसमें जोड़ करके, तीन और तीन छः। अब इसको ऐड करना है ये वाला संख्या, तो 6 3 9 और एक, 6 3 9 और एक 10। अब देखिए नीचे से ऊपर जाना है हमको, ठीक है, नीचे से ऊपर जाना है लेकिन छोड़ के, एक अब छोड़ के, जैसे अगर हम 6 छोड़ देते हैं तो 3 लेंगे और फिर 1 छोड़ देंगे और जो हम लिए हैं उसको भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बात समझ में आया, जो भी त्रिभुज को बांट रहा है, जैसे एक दो तीन, तीन पार्ट में बांट रहा है, एक दो तीन लिख दिए, फिर एक को यहाँ लिखेंगे और अगले वाले से संख्या को जोड़ करके आगे लिखते जाएंगे, जैसे एक और दो तीन, तीन और तीन छह, अब सबको जोड़ करके लिख देंगे और नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे और एक एक छोड़ के, पहले छोड़ेंगे फिर लेंगे, फिर पहले छोड़ेंगे फिर लेंगे, और संख्या रहेगा तो छोड़ लेंगे छोड़ लेंगे, ऐसे करके, और जो जो हम लिए हैं उसको फिर लास्ट में ऐड करके आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बताइए, यही इसका कॉन्सेप्ट है, इसी से क्वेश्चन ये पकड़ा था। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ा भारी भरकम दे दिया है, इसको कैसे करेंगे, तो देखिए कितने पार्ट में बटा हुआ है, तो एक दो तीन चार पांच, तो पांच बार लिख लीजिए, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, तो एक दो तीन चार पांच। अब आपको क्या बोले थे, एक लिखना है और ये जोड़ के लिखना है, तो एक और दो तीन, तीन और तीन छः, छः चार 10, ठीक है, 10 5 15, सबको ऐड कर लिए, 15 5 25, 25 6 31, 15 और 10 25, 25 6 31, 31 और 3 34 और एक 35, ठीक है 35। अब नीचे से लेना है, इसको छोड़ना है, ये लेना है, इसको छोड़ना है, ये लेना है, इसको छोड़ना है, तो कौन कौन ले लिए, ये 10 3 और 10 को ले लिए, 13,
अब सबको ऐड कर दीजिए तो 8 और ये 48, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है, एक दो बार कोशिश कीजिएगा बस आराम से बनने लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। अब देखिए इसमें त्रिभुज काउंट करना है, तो जो बाहर बाहर वाला पहले काउंट कर लीजिए, जैसे एक, ठीक है, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह तो मेरा तो नजर आ रहा है। अब देखिए एक ये नजर आ रहा है बड़ा सा, सात और एक आठ, यानी कि दो यहां से, तो छह दो कितना हो जाएगा, आठ। ऑप्शन नंबर बी विल द करेक्ट आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, दी गई आकृति में तीन त्रिभुज है। देखिए इसमें बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ पे बाहर बाहर गिन लीजिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, इसमें तो याद रहता है कि दस होता है। देखिए अब इसमें करना क्या है कि ये जो पॉइंट है यहां से लीजिए, तो एक ये बन रहा है, पांच तो पहले बन गया है, एक ये बन रहा है, फिर यहां से लीजिए तो एक ये बन रहा है, दो यहां से लीजिएगा तो, तीन यहां से लीजिएगा तो, चार, ठीक, यहां से लीजिएगा तो पांच, और ये वाला तो ले लिए हैं, तो पांच और पांच कितना हो जाएगा, दस। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, बस सिंपल है, इसको याद भी रख सकते हैं, इसमें दस होता है, जब एग्जाम में जब भी आता है तो ऐसा ही स्टार बना कर दे देता है, ठीक है। इसमें दस बनता है और इसमें आपका आठ बनता है, ठीक, दोनों अलग फिगर है, देखिए दोनों अलग है, ये क्या कर रहा है कि सबको काटते हुए जा रहा है, और ये क्या कर रहा है कि काट रहा है लेकिन दो स्टार को इनवर्स करके किया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे, देखिए दी गई आकृति में कितने वर्ग है। अब देखिए वर्ग काउंट करने का तरीका क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे आपको सिंपल नजर आ रहा होगा कि एक, दो, तीन, चार और एक बड़ा वाला पांच, बस ये देखिए पांच आपका सही बनेगा। तरीका क्या है, तरीका इसमें तो नहीं पता चलेगा, आगे वाले क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे वर्ग काउंट करने का तरीका, ठीक है। तो समझ में आया, दी गई आकृति में कितने वर्ग है, एक, दो, तीन, चार, और चार चार होगा और एक बढ़ा करके ये बाहर वाला बढ़ा देंगे, पांच हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए समझिएगा, अगर कभी भी आपको फिगर ऐसे दे दें, समझिएगा ध्यान से, ये वाला याद रखिएगा कि इसमें हमेशा कितना बनता है, पांच ही बनता है, अगर इस टाइप से फिगर दे दे तो पांच बनता है, ध्यान रखिएगा पांच बनता है, ठीक। आगे देखिए, अगर कभी भी इस टाइप से दे दे, हालांकि सीधा नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा, ठीक है एक और ले लेते हैं, अगर इस स्टेप से दे दे और बोले कि वर्ग कितना है, तो देखिए सिंपल आप गिनिए यहाँ पे, एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है, फिर यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, इसमें कितना है, इसमें ये फिगर अभी हटा दे रहे हैं, ये फिगर अभी हटा दे रहे हैं, ठीक है, ये समझिए, तो यहां से दिख रहे हैं तो पांच आ रहा है और यहाँ गुना कर रहे हैं तो ये चार आ रहा है, ठीक है। अब इसमें एक एक कम कर दे जाएंगे, पांच में करेंगे तो चार, तीन में एक कम, चार में एक कम करेंगे तो तीन, यहां से एक कम करेंगे तो तीन, यहां से एक कम करेंगे तो दो, यहां से एक कम करेंगे तो दो, यहां से एक कम करेंगे एक, जहां एक आ गया बस रुक जाएगा, ठीक है। अब इधर 20, इधर 12, इधर कितना हो जाएगा 6, इधर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो बोल क्या रहा है कि इसमें सबको ऐड कर लेना है, ठीक है, 20, 12, 6 और 2 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20, 12 कितना हो जाएगा 32, 32 और 6, 32 और 6 38, 38 2 40, यहां पे जो वर्ग बनेगा वो 40 वर्ग बनेगा, ये हम बता दिए। अब देखिए यहां पे भी जस्ट ये देखिए 1, 2, ये बीच वाला छोड़ दीजिए, बीच वाला छोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पे अगर काउंटिंग करेंगे तो 1, 2, 3 और यहाँ पे 1, 2, 3, तो 3 × 3, ठीक, एक का कम करें, 2 × 2 और 1 × 1, तो 3 और 3 9, 2 और 2 4, 1 और 1 1 ना, तो 9, 9 और 1 10, 4 14, 14 तो ऐसे बन गया। अब देखिए 14 तो ऐसे बन गया, समझिएगा ध्यान से, 14 तो ऐसे बन गया। अब ये फिगर में आपको बताया था कि हमेशा पांच बनता है, पीछे वाले क्वेश्चन में बताया थे कि ये हमेशा क्या बनता है, पांच बनता है, पांच बनता है ना, देखिए यहाँ पे काउंट करके भी बताए थे, तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे भी पांच और यहाँ पे भी पांच, क्या बन जाएगा यहाँ पे 10, ठीक है, ये पांच बन रहा है, ये पांच बन रहा है 10, यानी कितना हो जाएगा 24, 24 है, 24, 24 बनेगा। देखिए अगर कितने वर्ग है, ये ऑप्शन गलत लग रहा है, ठीक है, ऑप्शन गलत है इसमें,
24 बनेगा आपका आंसर, ठीक है 24 आंसर आपका सही होगा, ये ऑप्शन गलत लग रहा है, आपका आंसर क्या बनेगा 24, ठीक। इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी है 24 आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। अब देखिए वर्ग कितने हैं, आपको जस्ट पीछे क्वेश्चन बताएं कि क्या करना है, आपको नंबरिंग कर देना है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक। अब ये वाला को छोड़ देना है 1 2 3 4 और यहाँ पे कर लीजिए, तो 5 गुना 4, ठीक है, तो 4 गुना 3, 3 गुना 2, 2 गुना 1, जहां 1 आया बस स्टॉप कर देना है, 4 5 4 5 20 12 6 2, तो 12 6 कितना हो जाएगा 18 2 20 20 40, यहां से तो 40 आ रहा है। अब देखिए ये वाला फिगर में 5 बनता है तो ये कितना फिगर है 1 2 3, 3 को फिगर है तो यानी कि 5 1 15 यहां से वर्ग बन जाएगा, तो बस जोड़ दीजिए यहां पे कितना हो जाएगा 55, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, आ रहा बस समझ में। बस आपको करना क्या है, काउंटिंग कर लेना है और काउंटिंग करके जो भी है मल्टीप्लीकेशन जो बड़े वाला संख्या है उसको लिख लेना है 5 गुना 4 और सब में 1 का कम करते करते जहां पे 1 आएगा बस स्टॉप कर देना है और वहां से गुना करके सबको ऐड करके और ये जो है संख्या उसको जोड़ते हुए आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, देखिए आकृति में कितने वर्ग हैं। अब देखिए आकृति में कितने वर्ग हैं, देखिए 1 2 ये वाला छोड़ देना है, अभी छोड़ देना है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यानी कि 7 × 6 है, 7 × 6 है, 1 का कम करते जाएंगे तो 6, यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे कम करेंगे तो 5 गुना 4, फिर यहाँ पे कम करेंगे तो 3 गुना 2, फिर यहाँ पे कम करेंगे तो 2 गुना 1, अब सबको जोड़ लीजिए 42 हो जाएगा यहाँ पे, 30 हो जाएगा यहाँ पे, 20 हो जाएगा यहाँ पे, 6 हो जाएगा यहाँ पे और 2 हो जाएगा यहाँ पे, सबको ऐड करना है 30 20 50 10 50 और एक मिनट 30 20 50 50 40 70 72 72 और 6 2 8 ना, यानी कि 80 तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है 80 पूरा जोड़ जाड़ के आ रहा है। अब देखिए 1 2 3 4 5 पांच बार है तो 25 इसमें ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि एक फिगर 5 को रिप्रेजेंट करता है तो 5 वैसा वैसा फिगर है तो 25 को रिप्रेजेंट करेगा तो कितना हो जाएगा 25 यानी कि 105 ना 105 आएगा, कहीं गलती नहीं हो रहा है, 642 ठीक है, 5 6 30 ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है और इधर 6 है तो 7 6 42 ठीक है, 6 5 30 5 6 20 3 2 6 एक मिनट यहीं पे मिस्टेक हो गया है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देख लीजिए फिर से, यहां पे 4 आएगा और यहां पे 3 आएगा, यही छूट रहा था 12 और यहां पे 3 और यहां पे 2 यानी कि 6 और यहां पे 2 और यहां पे 1 यानी कि 2, सबको ऐड कीजिएगा तो 72 50 50 40 92, अरे एक जोड़ने में मिस्टेक होता है, 30 20 50 50 40 कितना 92 92 और 92 और 8 इधर 100 112 हो जा रहा था, 112 और इधर कितना हो रहा था 25, 5 गो है तो 25 गो हो जाएगा इसमें, तो 7 और 12 11 और 2 कितना 13 137 विल द करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, क्या कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। अब देखिए इसमें वर्ग काउंट करना थोड़ा सा माइंड लगाना है, अगर हम इस पार्ट को छोड़ दें, ये वाला पार्ट को छोड़ दें, हम इस पार्ट को सिर्फ देखें तो कितना बन रहा है 1 2 3 4 4 और एक और बड़ा वाला 5, यानी कि ये 5 बन रहा है और ये नीचे वाला में भी 5 बन रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए ये जो वर्ग बन रहा है इसको 2 बार काउंट कर लिया, ठीक है, 2 बार काउंट लिया, एक ऊपर में एक नीचे में, तो 1 बार इसमें क्या करना है माइनस कर देना, 5 बार 10 माइनस 1 यहाँ कितना बनेगा 9 फिगर बनेगा, ठीक। अब आप समझिएगा, ये समझ में आया ना, बस ये काउंट कर लेना और एक जो है इसमें घटाना है, क्यों, क्योंकि ये जो वर्ग है इसको 2 बार काउंट कर लिया गया ऊपर से भी और नीचे से, इस वजह से एक हम इसमें घटाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, दी गई आकृति में कितने वर्ग है। अब देखिए यहाँ पे भी सेम है, बस एक स्टेप और आगे बढ़ गया, तो यहाँ पे भी कितना बनेगा 5, ठीक है, अब यहाँ पे भी कितना बनेगा तो 5 और यहाँ पे भी कितना बनेगा 5। अब देखिए घटाना कितना है, ये फिगर 2 बार काउंट हुआ एक ऊपर से एक नीचे से, और ये फिगर भी कितना काउंट हुआ 2 बार काउंट हुआ, यानी कि कितना हमको घटाना पड़ेगा 2 घटाना,
ठीक, तो 15 और 15 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा 13। 13। अब एक चीज समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहां पे ये जो फिगर है ये 3 बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3, 3 बार आया ना, 3 बार आया तो हम घटा कितना रहे हैं 2, 3 बार आया तो हम घटा कितना रहे हैं 2। और यहां पे समझिएगा, यहां पे 2 बार है और घटा कितना रहे 1 बार, तो 1 कम करके घटाना है, 1 कम करके घटाना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कभी कभी क्या होगा कि बड़ा दे देगा, जैसे अगला क्वेश्चन जस्ट होगा, अभी देखिए इसमें क्या कर रहा है कि बहुत ही बड़ा सीरीज दे दिया, इसमें पता ही नहीं चलेगा। तो देखिए आपको क्या करना है, ये कोना वाला याद रखना है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है तो 6 बार है तो 5 5 का 6 ग्रुप बनेगा, यानी कि 6 5 30, और घटाना कितना है तो 6 बार है और 1 कम करके घटाना है, 6 बार है तो 1 कम करके घटाना है। जैसे पीछे वाले में हम कितना घटाए थे, देखिए पीछे वाले में ये देखिए 3 बार था तो हम कितना घटा रहे थे, 2 घटा रहे थे। देखिए इससे पहले 2 बार 2 मेरा था तो 1 घटा रहे थे, मतलब 1 कम करके घटा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 बार है, 6 बार है तो हम क्या करेंगे, 1 मतलब 1 कम करके, तो 6 है 1 कम होगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 30 में से 5 घटेगा कितना हो जाएगा 25। आ रहा बात समझ में, बहुत ही सिंपल है। तो 25 यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे बढ़ जाए, चलिए देखिए, अगर तुम्हें कुल वर्ग, कुल आयत और केवल आयत की संख्या, देखिए कुल वर्ग, कुल आयत और केवल आयत की संख्या, तो देखिए यहाँ पे समझिएगा कुल वर्ग कितना निकलेगा, कितना निकलेगा। देखिए कुल वर्ग निकालने का तरीका क्या बताया था, 1 2 3 4 और यहाँ पे 2 3 4। अब सबको ऐड कर दीजिए, 1 2 3 4, यहाँ पे अगर एक मिनट ऐड नहीं करना, यहाँ पे 4 और 4 को ले लेना है, ठीक है। तो 4 × 4 अगर लेते हैं तो कितना हो रहा है, 4 4 16, यहाँ 3 × 3 लेते हैं कितना हो जाएगा 9, 2 × 2 लेते हैं कितना हो जाएगा 4, 1 × 1 लेंगे ना, 1 यहाँ पे कितना बन जाएगा 6 9 25, 25 और 4 ना, 25 4 29 31, यानी कि 30 वर्ग की संख्या कितना आ गया 30। अब देखिए आयत की संख्या कैसे निकालेंगे, आयत ये तो वर्ग हो गया ना, वर्ग कितना हो गया, वर्गों की संख्या 30। अब देखिए आयत कैसे निकलेगा, देखिए आयत निकालने का सिंपल तरीका है, जो है इधर सबको गुना कर दीजिए, जैसे कितना 4 3 12 12 सबको ऐड कर दीजिए ना, सबको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 और 1 10 10, और इधर कितना 10, तो 10 × 10 10 × 10, यहाँ पे भी 10 आएगा ऐड करके ना, यहाँ पे 10 आ रहा है सबको ऐड कीजिएगा तो 10, और यहाँ पे भी सबको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10। तो आयत की संख्या कितना हो जाएगा 10 × 10 कितना हो जाएगा 100, तो मेरा आयत की संख्या कितना है 100। ठीक, अब आगे बढ़िए, ये तो हाँ, फिर केवल आयत, अब देखिए वर्ग 30 है, आयत 100 है, अब देखिए केवल आयत, अब बात को समझिएगा, आप लोग पढ़े होंगे केवल आयत, देखिए कभी भी आयत जो होता है ना एक प्रकार का वर्ग ही होता है, लेकिन सभी वर्ग आयत नहीं होते हैं, ऐसा पढ़े होंगे आप लोग। तो देखिए आयत जो होता है वो वर्ग ही होता है, तो इसमें अगर केवल आयत बोल रहा है तो 100 में से 30 घटा देंगे, मतलब 30 ये 100 में से 30 घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा केवल आयत। इसमें जब हम काउंट किए तो आयत और वर्ग दोनों आया, और आपको पता होगा कि आयत भी एक वर्ग का ही रूप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 − 30 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 70, तो कितना बनेगा 30 100 और 70, तो 30 100 और ये 70, केवल आयत 70, 30 100 और 70, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आयत कभी भी अगर बोल दे तो सबको जोड़ करके, और इधर भी जोड़ना है और गुना कर देना है, लेकिन केवल आयत बोले तो वर्ग भी निकालना है और क्या करना है, दोनों को घटा देना है, ठीक है, दोनों के बीच में अंतर निकाल देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दी गई आकृति में सरल रेखाओं की संख्या कितनी है, देखिए सरल रेखाओं की संख्या कितनी है, सरल रेखाएं मतलब होता क्या है, देखिए इसमें काउंट करना है, आप यहां से पहले हॉरिजेंटल काउंट कीजिए, वर्टिकल फिर डायगोनल, ठीक है। तो देखिए अगर हम ये ले रहे हैं ऐसा ऐसा ओरिजेंटल, 1 2 3 4 5, 5 आ गया, 5 सरल रेखा, सरल रेखा बोल रहा है। अच्छा इधर अगर वर्टिकल करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 6, ठीक है। अब देखिए डायगोनल हम करते हैं, ऐसा ऐसा गिनते हैं, ठीक है, तो ऐसा ऐसा गिनते हैं तो 1 2 3 ना, 3 ना, अच्छा अब ऐसा ऐसा गिनते हैं 1 2 3, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, सब तो हो गया। अब देखिए ये वाला सरल रेखा नहीं ना है, ये सरल रेखा, इसको गिनते नहीं,
हो गया, सबको ऐड कर दीजिए, 6 5 6 11 11 और 6 कितना 17, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये तो और सिंपल था। ठीक चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए फिगर और भी होता है, ऐसा नहीं, ये बेसिक बेसिक हम लिए थे। ठीक है, और आपको अगले जो फिगर काउंटिंग जो है वो आपको प्रैक्टिस के माध्यम से और भी फिगर वगैरह ला करके करा दिया जाएगा। ठीक है, तो बस इतने आज भर के लिए इतना ही, बस थैंक यू।